हेलो गाइस कैसे हो अभी सब लोग ऑल गुड वेरी नाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा नाम है गगनदीप सिंह मैं आपका मास्टर और ये का बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी तो जो सन्नाटे नए हैं सन्नाटो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी बजाओ लेट्स टॉक अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहता हूं आर सी ओ एम तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर सो ऑन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू और सारे मासिस सही बात है इसको डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी एम वन वी वन वैक्टर एम टू वी टू वैक्टर सो ऑन नीचे क्या आएगा टोटल मास अरे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री क्या है ये टोटल मास ही तो है समझ में आया पक्का ये तुम्हें ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है एम वन वी वन एम टू वी टू क्या है ये ये सिस्टम के सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम है तो ये तुम्हें क्या मिला सिस्टम का नेट मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर मेरे को सिस्टम का मोमेंटम बताना है नेट तो मेरे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होगी तो उससे भी बता दूंगा समझ में आया पक्का वेरी नाइस वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन ए वन वैक्टर प्लस एम टू ए टू वैक्टर So on. Divide by total mass M. ये ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है हर एक छोटे पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स तो जब तुम नेट फोर्स करोगे यू विल गेट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस्टम दैट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये असलियत में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था फिजिकल टू एम में एक्चुअल में वो ये होता है वो जो एक्सरेशन होता है ना वो सेंटर ऑफ मास का एक्सरेशन होता है बात समझ में आई वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की velocity से find out कर सकते हैं। समझ में आई बात पक्का वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया अब <coughs> मैं वो छोटे मोटे चुनू मनु क्वेश्चन नहीं करवा रहा कि भाई पहले मास की वेलोसिटी ये है दूसरे वाले की ये है तो बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या मैं नहीं करवा रहा वो ठीक कर लेना तो वेरी नाइस right, nice. जो इंपॉर्टेंट केस की मैं चर्चा करने वाला हूं वो ये है कि अगर कि अगर इफ एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कौन रेस्ट पे है बच्चों ने बोला सेंटर ऑफ मास तुम गधे हो <laughs> बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो है सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन जीरो आएगा एक्सलेशन जीरो होने का मतलब तुम रेस्ट पे हो ऐसा जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इधर इधर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो अगर वो पहले रेस्ट पे है समझ में आया या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर वो पहले चल रहा है तो जिस भी सिचुएशन में होगा वो उसी सिचुएशन में चलता जाएगा उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा समझ में आया पक्का ध्यान देना। इस केस की मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूं सेंटर ऑफ मास की जीरो है मान लो कि अपने पास दो हैं, एम वन और एक एम टू अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एक्सरेशन जीरो है मैं कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी <coughs> तो भाई साहब बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो लेकिन क्या v1 और v2 जीरो होंगे ये कह सकते हैं इसका मतलब v1 वन इज इक्वल टू जीरो वी टू इज इक्वल टू जीरो क्या ये कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं अरे हो सकता है ना कि m1 v1 वी वन प्लस एम टू वी टू डि एम वन प्लस एम टू जीरो आ जाए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो करनी है ना इसके लिए इंडिविजुअल वेलोसिटी जीरो होने की क्या जरूरत है समझ में आया तो ऐसा कहना गलत है <coughs> समझ में आई बात वन मोर थिंग अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सलेशन भी जीरो रहना चाहिए क्या ए वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू भी जीरो होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है का हो हो सकता है। जाए। अरे समझ में आया? पक्का। छापो यान तक फिर और इंपॉर्टेंट बात करता हूं छापा वेरी नाइस देखना है ना एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तुम बताना ट्रू है या फॉल्स इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो कानेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये ट्रू है या फॉल्स ये तुमने डिसाइड करना है बताओ 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 तुमने फील ली होगी तुमने सोचा होगा कि सिस्टम की कानजी लिख देते हैं हाफ मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर तुमने सोचा एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एनर्जी कांस्टेंट आएगी लेकिन ये गलत ऐसा नहीं होता है सिस्टम की जो कॉनेटिक एनर्जी निकाली जाती है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की कारनेटिक एनर्जी का सम होती है हाफ एम वन वी वन स्क्वायर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर सबको ऐड करो ये होती है समझ में आया ध्यान देना मान लो स्पेस में कैपिटल एम है और स्मॉल एम है इनकी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी मान लो तुमने इनको रेस्ट पे रख के छोड़ दिया इनिशियली सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन कितना था या वेलोसिटी कितनी थी दोनों जीरो थी इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है सिस्टम पे नहीं लग रही भाई साहब नहीं लग रही ना ये इस पे फोर्स लगा रहा है ये इस पे फोर्स लगा रहा है अरे वो तो इंटरनल फोर्स हो गई ये आपस में खिंचे आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ ड्यू टू तो इंटरनल फोर्सेस बहुत बढ़िया तो ये इधर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा और ये इधर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा क्या दोनों के पास वेलोसिटी आएगी हा के ना तो दोनों के पास वेलोसिटी आएगी तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर शुरू में तो ये जीरो थी और बाद में ये आ रही है इट मीनस ये गलत है यू कैन नॉट कमेंट अबाउट द कनेटिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नहीं कमेंट कर पाओगे तो समझ में आई बात वो बढ़ सकती है देखो बढ़ रही है एक और बात इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो भाई साहब इसका एक्सेशन होगा और इसका भी एक्सेशन होगा समझ में आया ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच चेंज हो रहा होगा क्योंकि जैसे जैसे इनके बीच की दूरी कम होगी इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी चेंज होगा अगर फोर्स चेंज होगा तो एक्सेशन भी चेंज होंगे देखो ए वन और ए टू है और चेंज भी हो रहे हैं लेकिन एक्सेशन ऑफ सेंट्र जीरो है। M1, A1 प्लस एम टू ए टू करोगे तो वो जीरो आएगा समझ में आई बात जो मैंने यहां पे लिखा था ना कि एक्सेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि ए वन जीरो हो जाए और ए टू जीरो हो जाए देखो ए वन और ए टू दोनों आ रहे हैं कोई भी जीरो नहीं हो रहा लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। बात समझ में आई पक्का वेरी नाइस क्वेश्चन करते हैं छोटा सा ध्यान देना मान लो कि अपने पास एक बोट है बोट बोट का मास ले लेते हैं कैपिटल एम बोट के ऊपर चिंटू खड़ा है कौन खड़ा है चिंटू स्मॉल एम मास का बोट पानी में बहुत बढ़िया पानी में तैर रही है बोट मान लेते हैं पानी बोट के ऊपर कोई भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहा है ना उसको धक्का वक्का नहीं मारा बोट को बोट बढ़िया मस्त पड़ी ऐसे बिल्कुल रेस्ट पे सब कुछ चिंटू उधर चला गया इफ इफ चिंटू मूव टू अदर एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट फाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट बोल की बोट की लेंथ को एल मान लो अगर चिंटू उधर चला गया तो बोट कितना डिस्प्लेस हुई ध्यान देना चिंटू उधर क्यों जाएगा अगर चिंटू के पैर और बोट के बीच में फ्रिक्शन होगा तो चिंटू पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा राइट की ओर लगेगा इसलिए चिंटू राइट की ओर गया न्यूट्रन न्यूटन थर्ड लॉ चिंटू के ऊपर फ्रिक्शन लगा राइट तो बोट के ऊपर फ्रिक्शन लगा लेफ्ट अगर बोट के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगा तो भाई साहब बोट लेफ्ट में जाएगी ना समझ में आया तो बोट लेफ्ट में जाएगी अपने को यह निकालना कितना मूव करी देखो ध्यान से मैंने इनिशियल डायग्राम बना लिया ये रहा इनिशियल डायग्राम मान लेते हैं कि बोट मूव कर गई एक्स ठीक ये एक्स मूव कर गई चिंटू तुम्हारा यहां पे पहुंच गया तो ये दूरी कितनी है ये दूरी है एल माइनस एक्स सही बात तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था बिल्कुल सर पहले रेस्ट पे था और तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बिल्कुल सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कभी भी नहीं चला बिल्कुल सर कभी भी नहीं चला तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा रेस्ट पे रहना चाहिए बिल्कुल सर रहना चाहिए तो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो बात समझ में आई ध्यान देना तुम्हारा M का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ तुम्हारा M यहां से यहां चला गया उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ L माइनस एक्स टूवर्ड्स राइट और तुम्हारी बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ X टूवर्ड्स लेफ्ट क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हारा बंदे का डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुआ L माइनस एक्स तुम्हारी बोट का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ हुआ एक्स क्या यह समझ में आया पक्का वेरी नाइस हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है ध्यान देना लास्ट क्लास में हमने यह पढ़ा था इज इक्वल टू एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू डिवाइड बाय वन प्लस एम टू पढ़ा था लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो एम वन ले लो स्मॉल एम को राइट right में ले लो पॉजिटिव तो एल माइनस एक्स का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिखा जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है तो नेगेटिव लिखा जाएगा डिवाइड बाय जो भी है एम प्लस एम सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो क्या आ रहा है इससे आंसर सोल्व करो आंसर क्या आ रहा है यहीं पे सोल्व कर देते हैं यार ये क्या शोर मचा रहे हैं क्या आ गया इनका हाँ तो इसको सॉल्व करा एम एल माइनस एम एक्स माइनस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू एम एल डिवाइड बाय प्लस एम तो तुम्हारी बोट इतना लेफ्ट को डिस्प्लेस होगी समझ में आया पक्का वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया और क्वेश्चंस करते हैं मान लीजिए तुम्हारे पास एक कार है कार ठीक है कार का मास है एम तुम कार के एंड पे खड़े हो स्मॉल एम मास के कहा गया इफ यू जंप इफ यू जंप फ्रॉम द कार फ्रॉम द कार विद विद वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू कार फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ द कार की रफ्तार बताओ तुमने जंप करा अच्छा तुम जंप किधर करोगे लेफ्ट में करोगे ना

मान लेते हैं कि कार की वेलोसिटी है वी वन ठीक है और बंदे की वेलोसिटी मैं लेफ्ट में मान लेता हूं वी टू ठीक अपने को दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू माइनस वी माइनस क्यों क्योंकि ये बंदा लेफ्ट में को देगा और लेफ्ट में माइनस वी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू कार तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू माइनस वी वेलोसिटी ऑफ मैन को लेफ्ट में माइनस वी टू लिखा वी सी को कितना पुट करा वी वन इज इक्वल टू माइनस वी वी टू की वैल्यू आ गई वी माइनस वी वन चमका तो मैंने वी टू को वी माइनस वी वन पुट कर दिया सही बात हाँ ना अच्छा लिखो लिखो सिस्टम का मोमेंटम लिखो ये कैपिटल एम ये स्मॉल एम और नेट मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के बराबर करो जो कि जीरो था करके देखो तुम्हारी वैल्यू आएगी रफ्तार की करके देखो करके देखो इसका ये एम और ये स्मॉल एम तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू कैपिटल एम वी वन माइनस स्मॉल एम वी माइनस वी वन एज वी सी ओ एम इज इक्वल टू जीरो और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अरे हा कि ना तो वी वन की वैल्यू आ गई एम वी डिवाइड बाई एम प्लस एम तो ये तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार होगी समझ में आया पक्का कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ऑल राइट right. है ना वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं मान लो तुम्हारी कार है ना एम मास की कार ले लेते हैं उस पे तुम खड़े थे और मस्त चल रही थी यू रफ्तार से सारा सिस्टम यू रफ्तार से चल रहा है मस्त बढ़िया एकदम ठीक है द पर्सन द पर्सन जम्स टू राइट विद वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू कार कार के रिस्पेक्ट में वी रफ्तार से वो कूद गया फाइंड फाइनल स्पीड फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ द कार कार की फाइनल रफ्तार बताओ करो 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 मैं इधर वाला मिटा दो करो 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 देखो बहुत आसान है क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है नहीं लग रही इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो है नो इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम समझ में आया पक्का वेरी नाइस nice. तो मान लेते हैं कि कार की फाइनली रफ्तार मान लेते हैं v1 ठीक है और बंदे की मान लेते हैं हवा में ये कूद गया v2 से अपने को दे रखा है वल टू वी दे रखा है तो वी टू की वैल्यू क्या आएगी वी प्लस वी वन आ गई ठीक है भाई इसको वी प्लस वी वन लिख देते हैं अपने को वी वन की वैल्यू फाइनल करनी है इनिशियलेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल्टम देखो कितना था एम प्लस एम इन टू यू था फाइनली कितना है एम वी वन प्लस एम वी प्लस वी टू अरे यही है ना अरे हाँ कि ना यार सॉरी वी प्लस वी वन ऑल राइट तो यहां से अपने वी वन की वैल्यू आई एम प्लस एम इन टू यू माइनस एम वी डिवाइड बाय प्लस एम ये तुम्हारी गाड़ी की फाइनल रफ्तार आई समझ में आया पक्का देख लो यार

एग्जाम्पल मान लो कि अपने पास एक बॉम्ब है बॉम्ब ठीक है और बॉम्ब ऐसे जा रहा था प्रोजेक्टल मोशन में और यहां पे वो फट गया तीन टुकड़ों में फट गया मान लो ठीक है तीन टुकड़ों में फट गया जी एक टुकड़ा तो वो यहां गिर गया एक टुकड़ा मान लो यहां गिर गया तीसरा टुकड़ा कहां गिरा आउट करना है तो कैसे करेंगे ध्यान देना तुम्हारे सिस्टम के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ मास का एक्सरेशन विल बी जी क्या सेंटर ऑफ मास के एक्सरेशन में कोई फर्क पड़ रहा है बिल्कुल नहीं पड़ रहा जी सेंटर ऑफ मास का एक्सरेशन पहले भी जी था अभी भी जी है हाँ कि ना तो सेंटर ऑफ मास के मोशन में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अरे सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास को एक्सटर्नल तो फोर्स के थ्रू पता चलता है अगर एक्सटर्नल फोर्स चेंज होगी तो सेंटर ऑफ मास को कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स वही है तुम्हारी ग्रेविटी अगर एक्सटर्नल फोर्स वही ग्रेविटी ही है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन क्यों चेंज होगा नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास जैसे चल रहा था वो वैसे चलता रहेगा मान लो बॉम्ब ना फटता तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां पर आके गिरता बॉम्ब के साथ अगर बम फट भी गया तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे आके गिरेगा इसको थोड़ी ना कुछ मतलब है जब तक एक्सट्र फोर्स चेंज नहीं करोगे सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे गिरा अब ये एम वन गिरा मान लो कि यहां पे तुम्हारा एम टू गिरा मान लो यहां पे कहीं पे एम थ्री गिरा तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहीं पे होनी चाहिए उसके हिसाब से एम थ्री की पोजिशन पता चल जाएगी अरे समझ में आया एक क्वेश्चन करवाऊं ठीक है ध्यान देना इधर प्रोजेक्टाइल वाला ही कर लेते हैं इसमें तुम्हें पता चल जाएगा क्या कहानी हुई इसी को कर लेते हैं यार ये तीन के ले लो ये एक एक, एक के जी के तीन मास ले लो ठीक है बहुत बढ़िया इसमें ध्यान देना अभी मान लो कि दिस इज आर ये रेंज आर है कहा गया एक पार्टिकल सीधा यहीं पे गिर गया दूसरा पार्टिकल वापस रिट्रेस कर गया तीसरा पार्टिकल कहां गिरा ये बता ना तीसरा पार्टिकल कहां गिरा मान लेते हैं कि तीसरा पार्टिकल एक्स पे जाके गिरा यहां से इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं सेंटर ऑफ मास कहां पे होना चाहिए आर पे ठीक है लोकेशन क्या होनी चाहिए आर बहुत बढ़िया पहले वाला मास एक मास यहां पे गिर गया कहां पे गिर गया R बाय टू पे एक मास ने रिट्रेस कर लिया पाथ कहां पे पहुंच गया जीरो पे तीसरे वाले मास के पोजीशन को एक्स ले लेते हैं डिवाइड बाय थ्री एम अरे चमका के नहीं चमका टोटल मास थ्री एम ध्यान देना थ्री एम इन टू आर माइनस एम आर बाय टू ये हो गया 5 बाय टू एम आर इज की वैल्यू कितनी आ गई टू पॉइंट फाइव आर भाई साहब यहां से टू पॉइंट फाइव आर पे जाके गिरेगा तुम्हारा मास समझ में आई बात पक्का बहुत बढ़िया शानदार एक और क्वेश्चन करना फोर्स वाला है ना मजेदार क्वेश्चन है ध्यान देना इधर एक बार फोर्स वाला क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास की बातचीत होगी मान लो कि एक रॉड है रॉड क्या है एक रॉड जब ये वर्टिकल थी तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल सेंटर पे है मास एम लेंथ ठीक है यहां पे है हिंज क्या है हिंज हिंज के राउंड ओमेगा से घूम रही है रॉड वर्टिकल है फाइंड फोर्स ऑन द हिंज फाइंड फोर्स ऑन द हिंज मजा आया करके देखो भाई साहब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ हिंज पे फोर्स मान लो एफ है नीचे की ओर एम जी है हमें तो यह पता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास तो ये इसका एक्सेशन क्या आएगा सेंट्रीपिटल आएगा ओमेगा अच्छा इसका रेडियस कितना है एल बाय टू अरे एल बाय टू के रेडियस में घूम रहे ना ये ये सेंटर है सर्कल का तो जो तुम्हारा सेंटर है वो एल बाई टू के रेडियस में घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर स्क्वाई टू एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू खत्म इतनी फोर्स लगेगी हिंज समझ में आया पक्का वेरी नाइस एक और मजेदार क्वेश्चन करवाऊ मिटा दू इसको ध्यान देना मान लो तुम्हारे पास एक प्लैंक है बहुत ऊंची हाइट है इस प्लैंक की बहुत ऊंची प्लैंक का मास है एम एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस यहां पे एक ब्लॉक उसी सेम मास का यू रफ्तार से आ रहा है ठीक है तो जैसे ही ये चढ़ेगा ये प्लैंक पे चढ़ना शुरू होगा और प्लैंक भी राइट में खिसकना शुरू कर जाएगा सही बात है तो और ये ब्लॉक धीरे धीरे प्लैंक के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा क्वेश्चन इज वेरी सिंपल फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक ब्लॉक ने कितनी हाइट रीच करी फ्रिक्शन जीरो करो भाई आराम से मजा आएगा करो करो ध्यान देना जब तुम्हारा ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे होगा तो क्या ब्लॉक रुक जाएगा मैक्सिम हाइट पे है। क्या ब्लॉक रुक जाएगा गलत नहीं रुकेगा भाई साहब जैसे ही तुम्हारा ब्लॉक प्लैंक पे चढ़ने लगा था प्लैंक पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी ना उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसके कारण प्लैंक भी चलना शुरू कर देगा जब मैक्सिमम हाइट पे होगा क्या ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो मूव कर रहा होगा हाँ कि ना यार इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना और मैक्सिम पे पहुंच चुका है लेकिन हॉरिज़ॉन्टली तो प्लैंक मूव कर रहा होगा प्लैंक के साथ ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक और प्लैंक दोनों एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और दोनों की रफ्तार सेम होगी समझ में आया एट टॉप मोस्ट पॉइंट एट टॉप मोस्ट पॉइंट बोथ विल बी मूविंग विल बी मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद सेम रफ्तार विद सेम वेलोसिटी क्या समझ में आया पक्का भाई साहब आर्टिकल में तो नहीं जाता <coughs> प्लैंक के ऊपर ब्लॉक राइट में तो चल रहे हैं दोनों की रफ्तार सेम होगी अगर अलग अलग हुई तो अलग अलग हो जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लॉक हवा में रह गया और प्लैंक उधर को चल गया ऐसा तो नहीं होगा राइट ओके तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है देखो ना एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मोमेंटम कंजर्व कर लो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनली मोमेंटम दोनों की रफ्तार वी मान ली मैंने तो वी आ गया यू बाई टू सही बात लेकिन मुझे तो एच निकालनी है जब तुम्हारा मैक्सिम हाइट पर पहुंच चुका होगा फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है एनर्जी लॉस नहीं हुई एनर्जी कंजर्व कर लो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू दोनों की कनेक्ट एनर्जी हाफ इंटू टू एम इंटू वी स्क्वायर सही बात प्लस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एम जी अब देखो क्या क्या खटा फटा यह उड़ गया ये उड़ गया मास 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 गया, 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 आ तो H is equal to U square by 4G. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस देख लेना, बाकी तो सही लग रहा है मेरे. U square by 4G की हाइट तक पहुंचेगा ये समझ में आया सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है और प्रैक्टिस है यार जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो उतना भला होगा चाय में जितनी ज़्यादा चीनी डालोगी उतनी मीठी होगी है ना कराने को मैं करोड़ों क्वेश्चन करवा लूँ पॉसिबल नहीं है वैसे करोड़ों कराने इतना वक्त थोड़ी ना है ना तुम्हें करने हैं यार तुम करो प्रैक्टिस करो मैं नीचे असाइनमेंट दे रहा हूं कर दो ऑल राइट चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टाटा सी यू बाय बाय